एवरीबॉडी वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की मास्टर डेविल डू नॉट किस मी एपिसोड 5 की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग लेट्स बिगिन। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हमें जूडो क्लास के सीन दिखाई जाती है और लू और छूजिया एक दूसरे के करीब थे और छूजिया बाहर आती है और आते ही बोल रही थी कि मेरे बाजू तो दुख रही है। तो लू बोलता है आज के ऑनवर्ड को देखकर लग रहा है कि मैं चला जाऊं इधर। तो छूजिया बोलती है क्यों? तो लू बोलता है तुमने कहा था तुम एडल्ट हो और खुद से रहना चाहती हो, मैं तुम्हें खुद से पढ़ने दे देता हूं। तो छूजिया बोलती है तो अब तुम खुद से खुद के लिए रहने चालू कर दोगे? तो लू बोलता है अब मैं खुद अकेले रहूंगा और उसको सामने से लाके बोलता है अगर तुम यहाँ रहो तो यही जिंदगी जो मैं चाहता हूँ। और काउंसलिंग आके बोलती है क्या कर रहे हो, अपनी तहजीब में रहो। और छूजिया कुछ बोलना चाहती है बट वो छूजिया को स्टिक से डरा देती है। छूजिया डोम के अंदर चली जाती है और काउंसलिंग इशारों इशारों में लू को भी डरा रही होती है। और फिर हम लू को टेलीस्कोप से कुछ देखते हुए देखते हैं और फिर वहाँ सैन आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखे जा रहे होते हैं। और फिर सैन को हम छोटे से डंबल लिए देखते हैं। जहाँ लू आता है तो वो बोलने लगता है 102 103 और फिर लू बोलता है मुझे तो लगा तुमने 12 ही किए होंगे। तो शैन बोलता है वो बहुत जल्दी है, मेरी हो जाएगी, मैं जरूर अपना वर्कआउट डबल करूंगा उसके ऑर्डर पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लू बोलता है ये बुरा तो नहीं है पर छूजिया ये नहीं है, तुम वो नहीं कर पाओगे। शैन ऑफेंड होके बोलता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो, वो तुम्हारी एक्स है, वो तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करेगी। और लू वहां से चला जाता है। शैन बोलता है मैं तुमसे लूज नहीं होऊंगा। और फिर हम छूजिया को देखते हैं जो उठती है और ब्रश करते वक्त उसके साथ गड़बड़ हो जाती है और वो जाके स्प्राइट पीने जाती है और वो भी झटक से खुल जाती है और वो एक लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था माय डियर रूममेट सरप्राइज, मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत से फन लाए हैं। और फिर छूजिया जाती है और लू की पिक्चर्स एक दीवार से हटाकर दूसरे दीवार में लगा देती है। और इधर हम लू को देखते हैं जो सीढ़ियों से छूजिया के खिड़की की तरफ जा रहा होता है और सारी लड़की बावली हो रही थी। झट से छूजिया बोल हुए आती है लू और लू बोलता है क्या तुम अपने एक्स को नहीं चाहती हो, एक फ्रैक से पहले मुझे अंदर आने दो। और लू उसे टिफिन देता है। छूजिया बोलती है मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी। तो लू पूछता है क्यों, उतने देर में वो अपनी फोटोज देख लेता है। छूजिया बोलती है मैंने ये नहीं किया है। तो लू बोलता है तो तुमने इसे अपने बेस्ट साइड क्यों किया है, क्यों सजा रखा है, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें रात में कंपनी दूं? और वो उसके क्लोज आ जाता है और छूजिया उसको धीरे से मार के बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था। और फिर हम सैन को खेलते हुए देखते हैं जहाँ एक मेंबर बोलता है कैसा फील है सैन तुम्हें लू के साथ रहने में। तो सैन बोलता है उसकी हिम्मत भी नहीं है मुझे देखने की। और एक बंदा बोलता है मुझे यकीन नहीं होता तुम बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हो छूजिया को अपना लवर बनाने की, अगर तुम छूजिया को मैनेज कर लोगे तो मैं श्योरली बोलता हूँ लू पागल ही हो जाएगा। सैन बोलता है पर वो उसके साथ लंबे टाइम से है और वो मुझे देखती भी नहीं है, उसका दिमाग कम्प्लीटेड है। और एक बंदा बोलता है डोंग डोंग तो दिखने में अच्छा है, अरे और क्या तुमसे वो पूछना चाहती है। तो और एक बोलता है मुझे लगता है हमें रूट से चलना चाहिए, पहले रास्ते से लू को हटाना चाहिए। और एक आके बोलता है हमने उसे फिगर आउट कर लिया है, उसे शर्मिंदा करना होगा। और एक बोलता है एस्ट्रोनॉमी कभी पार्ट नहीं होता अमेठी पार्टी के अंदर, वो लोग किताबी कीड़े होते हैं साइंस स्ट्रीम से, वो लोग आर्ट और लिटरेचर में जीरो होते हैं। और एक बोलता है मुझे लगता है ये जरूर काम आएगा। सन बोलता है लू का नाम रजिस्टर करा दो। सब अग्री हो जाते हैं। उतने देर में एक लड़की रोते हुए आती है। सन बोलता है क्यों रो रही हो। और फिर F4 एक लड़के को पीटने वाले होते हैं कि छूजिया वहाँ जाती है और रोकती है। छूजिया बोलती है मैं पहले दिन से देख रही हूँ मिलिट्री ट्रेनिंग से कि तुम लोगों को बुली करते हो और अब तुम इससे रिपीट कर रहे हो। सन तुमने परमिशन दी कॉलेज के अंदर अमोंग में दौड़ने की। सन बोलता है छूजिया ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। छूजिया अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है मैं तो इंटरफेयर करूंगी ही, तुम लोग गाइस यहाँ गरीब लोगों को बुली करते हो। तो सैन बोलता है तुम ये इसे क्यों नहीं पूछ लेती। तो छूजिया बोलती है नो मैटर उसने क्या किया है तुम उसे मार नहीं सकते हो। तो सैन बोलता है तुम्हारे नजर में मैं हमेशा लोगों को परेशान करता रहता हूँ। तो छूजिया बोलती है एग्जैक्टली तुम एक मोटे स्नेकेड हो, तुम पूरी तरह से मतलबी भी हो, तुम सोचते हो ये नहीं कर सकते तो लड़कियों को बुली और मैट्स को बुली करते रहते हो क्योंकि तुम एक अमीर घराने से हो, ये फैक्ट है तुम कुछ नहीं हो इन लोगों के बिना। और वो लोग आगे बढ़ते हैं पर सैन उनको रोक लेता है।
चूजा बोलती है दोंग में सही होना और वो उस लड़के को वहाँ से लेकर चली जाती है। और F4 के मेंबर बोलते हैं तुम्हें गुस्सा नहीं आया उसके तेज जबान से? और एक बोलता है तुम इसे सच में पसंद करते हो? और तीसरा बोलता है इसके शब्दों में लगता है हम शीनफुल है। और सैन एक खम्बे में एक मुक्का मारता है और फिर हम फेंग साओ को कॉलेज के अंदर आते हुए देखते हैं जो बिना कोई फिकर के आ रहा होता है और गार्ड स्टूडेंट कार्ड मांग लेते हैं। तो फेंग साओ बस दूर से दिखाकर चलाकी करके निकलने के फिरार में था बट गार्ड वो कार्ड ले लेता है और बोलता है ये तो जिम कार्ड है। तो फेंग साओ बोलता है मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए अलाउ किया गया है तो आप मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो? वो गार्ड फेंग साओ वहाँ के रूल बताने लगता है और वहाँ से निकाल देता है। और हम फेंग साओ को कॉल पे देखते हैं और वो फेंग साओ हर एक चीज बताता है कि वो कैसे बाहर निकला गया। और वो बोलता है मैं अनेबल हूँ चूजा की हेल्प करने के लिए। और उधर से आवाज आती है मुझे बस तुम पे ही यकीन है। तो फेंग साओ बोलता है मुझे भी बस आपके सिवा किसी पे यकीन नहीं है। चूजा और लू साथ रह रहे हैं। उधर से आवाज आती है तुम चूजा को अप्रोच करो मैं जल्दी फिगर आउट करता हूँ। फेंग साओ बोलता है मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। और हम चूजा को देखते हैं जहाँ वही लड़की अगेन आती है जिसे हमने रोते हुए देखा था। तो चूजा बोलती है मुगु बोलती है क्या कोइंसिडेंस है हम ऐसे मिले हैं अलग है तुम्हारे इमेजिनेशन से। चूजा बोलती है तुम्हारा मतलब डोंग और वो बडीज है। चूजा बोलती है मैंने उसके साथ गलत किया। तो मुगु बोलती है उन्होंने उसे मारा मेरी वजह से उसने ओवे यूज किया मुझे लेकर पैसे की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने उसे क्लास में देखा उसने मुझे बॉदर नहीं किया। चूजा बोलती है तुम यहाँ आई हो मुझे क्लैरिफाई करने। मुगु बोलती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम डोंग को गलत समझो वो दिखने में अपसेट लग रहा था तुम्हारे उससे बात करने के बाद। और मुगु चूजिया को गेम एरिया लाती है और चूजिया उस लड़के को गेम वाली गन से शूट 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 करके गिरा देती है। और हम चूजिया को और लू को मॉकटेल पीते हुए देखते हैं जहाँ दोनों एक ग्लास में दो स्ट्रॉ लगा के पी रहे होते हैं। तो चूजिया बोलती है मैं पागल लड़की हूँ। तो लू बोलता है तुम मेरी पागल गंदगी हो। तो चूजिया बोलती है नहीं मैं स्टूपिड हूँ। तो लू बोलता है खुद को ब्लेम मत करो। चूजिया बोलती है मैंने डोंग को गलत समझा। तो लू बोलता है अगर तुम्हें पछतावा फील हो रहा है तो उससे जाके माफी मांग लो। तो चूजिया बोलती है तुम श्योर हो एशिया के जेलस किंग पागल थे? तो लू बोलता है जेलस किंग ऑफ एशिया ये अच्छा नाम नहीं है पर मुझे पसंद है। चूजिया बोलती है मैं तुम्हें प्राइज नहीं कर रही हूँ क्रिटिसाइज कर रही हूँ। तो लू बोलता है मैं प्राइज लेना चाहता हूँ। और लू उसकी स्ट्रॉ से पी लेता है। तो चूजिया बोलती है ये मेरा स्ट्रॉ है। तो लू बोलता है एक कपल इसकी कभी परवाह नहीं करते। तो चूजिया बोलती है हम एक एक्स कपल है। और वो स्ट्रॉ लेके पीने लगती है। और इधर हम नांगोंग और फेफे को देखते हैं जहाँ फेफे बोलती है ये कैसे है अपनी एक्स के साथ बाहर कैसे जा सकती है ये दो आदमियों को घुमा रही है। और नांगोंग बोलती है चूजिया सैन मेरा। और फिर हम सैन को बार में देखते हैं जहाँ वो ड्रिंक करते हुए हर वो इंसिडेंट को सोचने लगता है जो उसने चूजिया के साथ बिताए थे। और वो चूजिया को कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो क्योंकि वहाँ चूजिया होती है। वो बोलती है यांसू ने कहा तुम यहाँ हो। तो सैन बोलता है वो लोग तो बिजी बडीज हैं। तो चूजिया बोलती है उन्हें ब्लेम मत करो ये मेरी गलती है आई एम सॉरी तुम्हें गलत समझने के लिए। सैन बोलता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुमने सही कहा था तुम पहली लड़की हो जिसकी हिम्मत हुई है मुझे इस कॉल करने की। चूजिया वहाँ से बहाना बना के चली जाती है। और फिर हम लोग मॉर्निंग के सीन में हम बेक्विजी को देखते हैं जो नांगोंग के टीम को रोकती है और बोलती है तुम पढ़ती हो चूजिया के सेम क्लास में? वो लोग हाँ बोलते हैं। तो बेक्विजी बोलती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए तुम मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही हो उसे रिफ्यूज करने के लिए हेल्प के लिए तुम्हें तो जरूर कॉन्सिक्वेंस तो पता ही होगा। तो नांगोंग बोलती है हम भी अनचूजिया को ना पसंद करते हैं बोलो हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। बेक्विजी बोलती है मैंने उसको लेकर चेकिंग की अनचूजिया एचिल्स हिल्स को लेकर उसके 2 फीट है। सो गाइस मैं तुम लोग से चाहती हूँ कि। और फिर हम चूजिया को बुक लिए देखते हैं जहाँ पीछे से फेंग साओ आता है। चूजिया बोलती है फेंग साओ तुम वापस क्यों आए हो मुझे लग रहा था कॉलेज आउटसाइडर्स को नहीं आने देती है तुम कैसे आ गए। तो फेंग साओ बोलता है अंकल जियांग ने फ्यूचर ट्रेनिंग कोर्स बनाया कॉलेज के अंदर। चूजिया बोलती है वो वापस क्या करना चाहते हैं मुझे जरूरत नहीं है। फेंग साओ बोलता है चूजिया गुस्सा मत करो। और वो जाने लगती है और फेंग साओ उसे फॉलो करने लगता है। चूजिया बोलती है मुझे फॉलो करना बंद करो। फेंग साओ बोलता है मुझे अंकल ने कहा है। चूजिया बोलती है मैं हेल्थी हूँ और अच्छी भी हूँ मुझे किसी की केयर की जरूरत नहीं है। तो फेंग साओ बोलता है बाहर बहुत से बुरे लोग हैं और लू तुम्हें परेशान कर रहा है। चूजिया बोलती है अभी उसकी जरूरत नहीं वो अभी ठीक है। और वो भागने लगती है। फेंग साओ भी उसके पीछे भागने लगता है। और फिर हम बेक्विजी को देखते हैं जो जूडो क्लास में थी। और वहाँ हम चूजिया और फेंग साओ को भी आते हुए देखते हैं जहाँ चूजिया बोलती है मेरा पीछा करना बंद करो। और फिर चूजिया फेंग साओ को अपने साथ मेट बना के इंट्रोड्यूस करा देती है। और बेक्विजी को तो फेंग साओ देखता ही का देखता रह जाता है। और बेक्विजी अपना इंट्रोड्यूस कराती है और वो भी अपने आप को खुद का इंट्रोड्यूस कराता है। बेक्विजी बोलती है तुम्हारा नाम स्पेशल है और तुम्हारा बॉडी शेप भी अच्छा है मुझे लगता है तुम एनर्जेटिक नहीं हो तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें वर्कआउट करना होगा। तो फेंग साओ बोलता है मैं इसके बाद वर्कआउट करूंगा। और फिर वो बोलती है क्या करोगे। फिर वो उसे खुद के करीब खींच लेती है। और फिर चूजिया निकल जाती है और इधर चूजिया पढ़ रही होती है। फेफे आके बोलती है तुम इधर क्या कर रही हो जल्दी क्लास मीटिंग
मीटिंग में चलो, चूजा बोलती है हमारा कोई क्लास नहीं है, है ना। आज नांगोंग बोलती है अमेठी पार्टी सर्वर डे में रखा गया है, और नांग बताती है ये एक ट्रेडिशन है इस कॉलेज, पहले एक ओरिजेशन है एक फ्रेश आदमी के लिए, सेकंड ये चांस है सिंगल को मिलने का, और फिर वो मना कर देती है पर बट वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और इधर चूजिया के लिए क्लैप हो रही होती है, चूजिया कुछ नहीं समझ पाती और हमें और चूजिया को पता चलता है, और चूजिया को वहाँ का प्राइड बना दिया गया है। मैंग बोलती है सर मुझे लगता है चूजिया इसके साथ खुश नहीं है, तो नांगोंग बोलती है तुम ही क्यों नहीं बन जाती हो, आखिरकार चूजिया को बनना ही पड़ता है। और फिर बाहर से बेकुजी क्लैप कर रही होती है, और फिर हम चूजिया और लू को देखते हैं, जहाँ चूजिया बोलती है तुम गुड लुकिंग हो तो तुम्हारे फैंस ग्रुप मुझे डेली टारगेट करते रहते हैं, और लू उस पे हंसता है, और चूजिया उसे जलाने लगती है, और लू भी उसे जलाते हुए बोलता है कि वो भी इस लिस्ट में है, और लू उसको गाल में किस कर लेता है। हम चूजिया के डॉर्म के काउंसलिंग को गाते हुए देखते हैं, और वहाँ छुपके से बेकुजी निकल ही जाती है। और फिर हम दो लड़कियों को और एक लड़के बात करते हुए देखते हैं कि कॉलेज में जो चोर आया है वो आउटसाइडर है, सामने से कोई टीचर आ जाते हैं और वो तीनों भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं चूजिया डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, सैन उसे देखे जा रहा था, और वो तीनों बोलते हैं सैन को लगता है डांस पार्टनर मिल गया है। और फिर नांगोंग उसे लड़ने आ जाती है, लू आ जाता है और बोलता है क्या कर रही है, और चूजिया को चोट आ जाती है और वो उसे गोद में उठाकर लेकर जाती है, और सब उन्हें देखने लगते हैं, और ये फैब फोर भी देखते हैं। और फिर हम लू और चूजिया को डॉक्टर के पास देखते हैं, और फिर उसे पट्टी लगा दी जाती है, और फिर लू उसको गले लगा के बोलता है मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा कॉम्पिटिशन के लिए। और वहाँ सैन आ जाता है और बोलता है सैन क्यों आए हो, तो सैन बोलता है चूजिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो चूजिया बोलती है ये तुमने पहले भी कहा है, तो सैन बोलता है वो मजाक था अब मैं सीरियस हूँ मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, तो लू बोलता है डोंग तुम बीमार हो तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है जाओ दूसरे रूम, वो उसको कन्फेस करता है और वो लंबी चौड़ी प्रोटेक्ट वाली लेक्चर देता है। तो लू ऑफेंड होके बोलता है तुमने जो कन्फेस किया उसके लिए तुमने मुझसे परमिशन लिया, तो सैन बोलता है मैं तुमसे कुछ करने के लिए परमिशन कभी नहीं लूंगा, तो लू बोलता है ये मेरे लिए अनॉयड है और मैं ये नहीं करने वाला। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।